नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक मुंबई में। बारिश की 25 खबरें आपने देखनी और आगे पूरा हाल दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अंबाला में एक फाइटर पायलट के वो 30 सेकंड आपको दिखाते हैं जो हिम्मत से भरपूर थे, कैसे खुद बचा, प्लेन बचा। ये हैरत अंगेज वीडियो है अंबाला में वायुसेना के विमान जैगवार के टेक ऑफ के दौरान हुए हादसे का। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैगवार ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से अभी उड़ान भरी ही थी कि अचानक प्लेन की रफ्तार कम हो जाती है। जैगवार विमान महज 17 सेकंड बाद पक्षियों के झुंड से टकरा गया। पक्षियों से टकराते ही जैगवार के एक इंजन में खराबी आ गई। एक इंजन में खराबी का मतलब था विमान के साथ कुछ भी हो सकता था। पायलट ने भी खतरे की गंभीरता को समझने में देरी नहीं की। पक्षियों से टक्कर के चंद सेकंड में ही पायलट ने विमान से दो अतिरिक्त ईंधन टैंक और कैरियर बम लाइट स्टोर स्पॉट को जमीन पर गिराने का फैसला ले लिया। तस्वीरें देखिए किस तरह टैंक और सीबीएलएस पॉड्स विमान से अलग होकर जमीन की तरफ गिर रहे हैं। टैंक और सीबीएलएस पॉड्स जैसे ही जमीन पर गिरते हैं उसमें जोरदार धमाके की आवाज के साथ आग लग जाती है। आग लगने के बाद काफी ऊपर तक आग का गुबार उठता है और उसके बाद पूरे आसमान में काला धुआं छा जाता है। लेकिन त्वरित और सही फैसले की बदौलत पायलट जैगवार को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहा। वायुसेना ने वीडियो ट्वीट करते हुए जैगवार के पायलट की सूझबूझ की तारीफ की है। वायुसेना के मुताबिक पायलट की त्वरित सोच ने न सिर्फ लड़ाकू विमान को बचा लिया बल्कि एयरफील्ड के आसपास रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी भी बचा ली। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और मुंबई में आपको बता दें, शुक्रवार को मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही मुंबई का ऐसा हाल कर दिया कि लोग पूरे सीजन में आने वाली आफतों की आशंका से सहम गए हैं। महज दो घंटे की तेज बारिश के बाद शहर की सूरत बिगड़ गई है। वैसे तो मुंबई की समंदर से पुरानी दोस्ती है, लेकिन बारिश के दिनों में यही समंदर मुंबई के गले पड़ जाता है। सालों साल से यही होता आया है, इस बार भी यही मंजर है। दो घंटे की बारिश क्या हुई कि शहर के किनारों पर थपेड़े मारने वाला समंदर मुंबई की छाती पर आ चढ़ा और चेहरा पानी पानी कर दिया। वैसे तो पूरी मुंबई ही कल से इस समंदर में तैर रही है, लेकिन अंधेरी के मिलन सबवे से आई ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खौफनाक हैं। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे गहरे पानी में पांच गाड़ियां फंस गई। सभी गाड़ियों के शीशों तक पानी चढ़ गया है। कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को पुल के नीचे गुजारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और एक एक करके सब वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं गाड़ियों में से एक में सवार एक महिला बाहर निकल चुकी है। घुटनों से ऊपर भरे पानी में एक शख्स महिला का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की गहराई खत्म ही नहीं हो रही। थोड़ा आगे जाकर महिला लड़खड़ाई, लेकिन फिर वो वापस लौटने लगी और कार में फंसे हुए अपने परिवार के सदस्य की बाहर निकलने में मदद करने लगी। इतने में एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी डिवाइडर पर चढ़कर गाड़ियों को बाहर निकलने में मदद करने लगता है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं और धक्के लगाकर गाड़ियों को मौत के इस कुएं से बाहर निकालते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि पुल के आगे और पीछे दोनों तरफ पानी गहरा है। एक पल के लिए तो लगा कि पीछे लौटती हुई ये वैगन आर कार पानी में पूरी समा जाएगी। ठीक इसी जगह पर एक और बड़े हादसे की सूरत बन गई।
पानी से भरे सबवे को एक ऑटो वाले ने पार करने की हिमाकत तो कर दी, लेकिन पुल के नीचे पहुंचते पहुंचते पानी के थपेड़ों ने ऑटो पलट दिया और उस पर सवार महिला पानी में डूबने लगी। जैसे तैसे महिला पुल के किनारे तक पहुंच गई और यहां पुल पर मौजूद लोगों ने उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा ली। महिला मलेशिया की रहने वाली है और पहली बार मुंबई घूमने आई थी। इस हादसे के बाद वो बेहद खौफ में है। दादर के फूल मार्केट में एक पुरानी कमजोर दीवार पानी की पहली मार भी नहीं झेल पाई और दोपहर के वक्त भर भरा कर गिर गई। इसकी चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए। कल सुबह से 7 घंटों में मुंबई के तमाम इलाके में बरसात हुई, कहीं हल्की तो कहीं तेज बौछारें पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश घाटकोपर में 280 मिलीमीटर दर्ज की गई, पवई में 164 मिलीमीटर, बीकेसी में 147 मिलीमीटर, सांताक्रूज में 140, अंधेरी में 138, लोखंडवाला में 137, चेंबूर में 136 और मलाड में 133 मिलीमीटर दर्ज की गई। मुंबई का ये हाल अकेले बारिश का कसूर नहीं है। मॉनसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च कर देने वाले बीएमसी से मुंबई वाले पूछ रहे हैं कि पैसा कहां बहाया। इसी साल बीएमसी का बजट 3400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30692 करोड़ किया गया है। कुल बजट में से 51% बजट सड़क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और आईटी डिपार्टमेंट पर खर्च करने का ऐलान किया था। 4528 करोड़ रुपए पानी की सप्लाई और सीवर की देखरेख पर खर्च करने का भी वादा किया था। दिया और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और अब आपको मुंबई की हम तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से 2 दिन ही हुए हैं पहली बारिश में किस तरह से मुंबई धुल गई है। ये 6 तस्वीरें आपको आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सायन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवी मुंबई, कुर्ला, ठाणे, चेंबूर, मरीन ड्राइव, इन 6 तस्वीर से आप मुंबई का हाल पता लगा सकते हैं कि इस वक्त मुंबई में कितनी बारिश हो रही है और मुंबई में बारिश से लोग कितने परेशान हैं। हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ वक्तानिया अंधेरी सबवे से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंद माता से, और पंकज उपाध्याय सायंस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंधेरी सबवे से हमारे साथ हैं सौरभ, उनके पास चलते हैं। सौरभ, जो अंधेरी सबवे से तस्वीरें हमारे पास आई है और अभी अभी अपने दर्शकों को भी हमने दिखाई है, इतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं है जितनी वाटर लॉगिंग की समस्या वहां पर सामने आ गई है, गाड़ियां फंस गई है, लोगों का जाना मुश्किल है, आखिर क्या हो रहा है मुंबई में? बिल्कुल श्वेता, ये तो सिर्फ पहला दिन था मुंबई की बारिश का और लोगों को इस बारिश का काफी ज्यादा इंतजार था क्योंकि समर्स बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे और गर्मी से लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल हो गया था, तो लोग बारिश का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की पहली बारिश में ही आपने देखा क्या हाल हो गया, अब तो और लगातार 3 महीने बाकी है पूरा मानसून बीत जाने का, तो क्या हाल होगा। सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का बीएमसी, लेकिन आप हाल समझ सकते हैं कि पहले ही दिन की बारिश में क्या हाल हो गया। इस वक्त हम मौजूद है ये अंधेरी सबवे का इलाका है और यहाँ पर कल मानो जैसे एक पूरी नदी की तेज बहाव यहाँ पर बह रहा था। आज अच्छी बात ये है श्वेता कि बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक के तेज बारिश हो रही है। कल से बेहतर लग रही है आज की तस्वीर। सायन चलते हैं पंकज उपाध्याय के पास। पंकज, सायन की क्या तस्वीर है? श्वेता, खतरा तो टला नहीं है, हालांकि जो मुंबई के लिए सुबह बताया गया था कि हाई टाइड है उसके बाद जो संकट पैदा हो सकता है वो जरूर टल गया है। अब श्वेता, होता यह है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और हाई टाइड भी होती है तब वाटर लॉगिंग स्पेशली तभी ज्यादा होती है, तो आज 942 के लिए 3.74 मीटर की हाई टाइड का जो ऐलान किया गया था वो खतरा तो टल गया है, लेकिन 9:10 पर 3.52 मीटर की हाई टाइड का भी संकट है। अब देखना पड़ेगा, अगर उस वक्त बहुत बारिश होती है तो फिर से मुंबई शहर में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अब एक नई समस्या पैदा हो गई है शहर में, वो है पेड़ गिरने से जो लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी तक 13 लोग घायल हो चुके हैं, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त मैं साइन के एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन में खड़ा हूं और मेरे बगल में एक स्कूल है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि सड़क के दोनों तरफ ऐसे कई पुराने पेड़ हैं जिनकी रूट्स अब बाहर आने लगी हैं और लगता है ये कभी भी गिर पड़ेंगे। आज सुबह ही जीटीबी नगर इलाके में एक पेड़ गिरा, उसकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई, एक
बड़ा इलेक्ट्रिक पोल गिर गया जिसमें सीसीटीवी लगे हुए थे। लोगों का कहना है कि वो तो खुशकिस्मती रही कि उस वक्त जो स्कूल के बच्चे थे वो वहां नहीं थे क्योंकि उनकी आज छुट्टी थी, लेकिन पेड़ शहर में ये इतना बड़ा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, यानी कि ये आप बता रहे हैं। चलते हैं हिंद माता मुस्तफा शेख के पास। मुस्तफा, हिंद माता काफी व्यस्त जगह है वहां पर और हर बार बारिश में हम देखते हैं वहां का बुरा हाल, इस वक्त की तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। आज शनिवार का दिन है, बारिश हो रही है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है। मुंबई में सिर्फ वाटर लॉगिंग ही समस्या नहीं है, पॉटहोल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मुंबई करों के सामने आती है। इस वक्त हम हिंद माता के जंक्शन का ही आपको ये नजारा दिखा रहे हैं कि दो दिन की बारिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रेटर या सीमेंट रोड फिलिंग के नाम पे भरा गया था आज वो निकल चुका है और मुंबई में पॉटहोल आना फिर से शुरू हो गए हैं। इससे दिक्कतें ऐसे बढ़ जाती है कि मुंबई में मेट्रो का काम भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मुंबई करों के लिए ब्रिज बंद होना, वाटर लॉगिंग, साथ ही साथ रोड पर जब पॉटहोल्स होते हैं तो उससे ट्रैफिक में फंस कर मुंबई कर अपने घंटों बिता देते हैं। अभी सैटरडे संडे रहेगा, लेकिन मंडे तक अगर ऐसी बारिश चालू रही जो कि वार्निंग मौसम विभाग की तरफ से दी गई है तो मुंबई करों को खासा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। श्वेता, बिल्कुल, तो जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों की, ऐसे में वाकई एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीएमसी क्या कर रही है। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।